जी वेलकम बैक राइट हियर राइट नाउ पीएफडीसी फैशन वीक चौथा रोज आखिरी दिन और हमारे साथ अनदर ब्रांड न्यू गेस्ट रुकैया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने आपको दोबारा तकलीफ दी और आप इतने प्यार से आ भी गई। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू आर ऑलवेज अ जॉय टू लुक एट एंड टॉक टू। थैंक यू। वेल आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द शोज टुनाइट बिकॉज देयर इज अ फैबुलस लाइनअप टुनाइट। व्हाट शो आर यू एक्साइटेड अबाउट टुनाइट? आई थिंक बिट ऑफ काम यार। आई सीन क्या कहते हैं दोनों का ही काम बैक स्टेज जाके, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सच अ सरप्राइज, बट आई थॉट आई वाज सरप्राइज बिकॉज फ्रॉम फोक ही वेंट कम्प्लीटली। बिल्कुल। पूरी फैशन वीक में आई थिंक एक तो बहुत सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट हुई है डिजाइनर्स में, मैच्योरिटी हमने देखी है और रंग जो हमने देखे हैं एक्चुअली देव बीन अ कम्प्लीट ऑपोजिट जो हमने लोगों ने सोचा था हमें नजर आएंगे, वो बिल्कुल देव बीन द पैलेट हैज बीन टोटली डिफरेंट कम्पेयर टू जो हमने प्रिडिक्ट किया था उनके। मॉडर्निस्ट बाय द हाउस ऑफ कामिया रोक। टर्न है कामयार के लिए ये एकदम से फोक से। एंड यू नो दैट कामी ने ये कलेक्शन आर्ट से इंस्पायर किया और जो उसने ट्रिप लिया था ब्राज़ील से ब्राज़ील में, तो आप ये रंग देखिए फ्रेश सिट्रस ब्लूज पिंक्स और जैसे आप नज़र आ रहे हैं जो फैब्रिक्स उसने इस्तेमाल किए हैं पहले उसने नहीं इस्तेमाल किए जैसे सिल्क्स। पहले वो बहुत ऑर्गेनिक्स फैब्रिक्स इस्तेमाल करता था जैसे, और जो फोक और इसमें फीलिंग भी थोड़ी डेटेड आ रही है 1930s और 50s। और जैसे मॉन्ड्रियान का जो आर्ट है उसमें उसकी इंस्पिरेशन आ रही है जैसे आपको, जैसे इसमें ब्लॉक्स ऑफ कलर नजर आ रही है और कलर ब्लॉकिंग जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है। कलर जैसे डिफरेंट लाइक क्वाइट रेट्रो इन इट्स ओन वे। बिल्कुल। स्टाइलिंग के हवाले से भी काफ़ी मुख्तलिफ करने हैं उनको, बड़ी ब्लू आईज दे करके लिप्स और बड़े नाइस थिंग इज़ कि वे सीइंग हमने कलर्स देखे हैं लाइक यस्टरडे अमार डिड ब्लू आईज, द डे बिफोर वे सीइंग स्ट्रॉन्ग कलर स्टेटमेंट कलर हम देख रहे हैं लड़कियों की शक्लों पे जो हमने पहले नहीं देखा, जो अच्छी बात है। दिस इज फॉर कामयाज सेगमेंट। ही वांट्स लाइक यू नो दीज एग्जैजरेटेड आईज विद लाइक यू नो ब्लू नजर आ रहा है ब्लू विद लॉट ऑफ सैचुरेशन इन इट एंड लाइक यू नो ही वांट्स टू गिव द स्ट्राइकिंग लुक अदरवाइज लाइक यू नो द चीक्स एंड लिप्स विल बी पेल। वेरी ग्राफिक और बहुत प्रिसाइज ज्योमेट्रिक किस्म का काम है, शेप्स हैं, क्लीन शेप्स हैं, नई किस्म की सिलुएट है, इट्स मोर नैरो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कलर, लॉट्स ऑफ मैट कलर एंड अ लिटिल टच ऑफ एफ्रो ब्राज़ील, अ लिटिल पैटर्न बिकॉज आई फील दैट इन आवर मार्केट यू कांट लेस इज मोर मगर यू हैव टू स्टिल गिव देम द टच ऑफ मोर। कलर स्टोरीज भी ऐसे हुई हुई हैं कि फ्रंट से आउटफिट बिल्कुल एक और कलर स्टोरी का लगता है एंड व्हेन यू टर्न अराउंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट जिसकी बिल्कुल और कलर स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम दे आर यंग हिप मॉडर्न क्लोथ्स दैट यू कैन वेयर एंड फॉर द वुमन ऑफ टुडे फॉर अ मॉडर्न यंग पाकिस्तानी वुमन। वेरी फेमिनिन कलेक्शन डिस्पाइट बीइंग वेरी मॉडर्न। ये कामयार का जो आज का नजर आ रहा है वो सानिया मसाकर शेप को सूट करता है, शी आल्सो हैड लूज फ्लोइंग स्टफ एंड द वे इन्होंने जिस तरह कलर से कलर प्ले किया इट्स वेरी इंट्रीगिंग, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग। जब ये कलर ये बड़ा मुश्किल काम है मैं कि हां बिकॉज़ आप तीन फ्लैट कलर्स के साथ काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लगवा रहे हैं। और अच्छा द एक्चुअल फील ऑफ द ड्रेसेस आल्सो इफ यू पिक देम अप दिस इज लाइक सिल्क क्रेप, इट्स सो नाइस, या रियली नाइस। यानी कि हालांकि आपको गर्मी में सिर्फ पसंद नहीं मगर ये उस किस्म का कपड़ा है कि आप आराम से पहन सकते हैं। डोंट यू वांना टेक हर होम। के पास टाइम नहीं है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, द प्राइस पॉइंट इज आल्सो वेरी लो
You know, I've used a mix of silk blends and of some synthetic mixed together cleverly. The outfit bhi acha lage, magar price low rahe. Everything in the collection is under 15,000 rupees. मुख्तलिफ काम किया और सोच समझ के किया जिंदगी का बड़ा हिस्सा था इस गॉन बैक टू हिज आई मीन आई थिंक कामी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जब हम लोग कॉलेज में होते थे मैं वो हमेशा ही वाज नोन बिकॉज ऑफ कलर कलर सेंस उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड आई थिंक कि उसने प्योर कलर दिखा के वो वापस किया है कि वापस गया ही इज गॉन बैक टू हिज रूट्स Gorgeous. Now this you can wear as a dress जो राबिया ने पहना हुआ है और इज अ पेशवास बड़े आराम से बिल्कुल मुझे तो ये मशीन वर्क बड़ा अच्छा लग रहा है क्वाइट मॉडर्न लग रहा है मस्त से तो द फिनाले आउटफिट जो इरिज ने पहना हुआ है इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस गॉर्जियस फैंटास्टिक ब्यूटीफुल इसको कोई भी पहन सकता है यू डोंट हैव टू बी लाइक स्किनी या बहुत पतला होना जरूरी नहीं है एंड इट्स एक्चुअली वेरी फ्लैटरिंग क्योंकि ये जो सारे ड्रेसेस जो बायस पे कटे हुए हैं ये एक्चुअली दे मेक द बॉडी लुक वेरी गुड क्योंकि ये चुस्त नहीं होते हां इट्स फैंटास्टिक इट्स वेरी नाइस एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल पेयरिंग पेयरिंग अ कॉम्बिनेशन लाइक शॉकिंग पिंक और रेड ऑलवेज वर्क्स बिकॉज़ दे लुक ब्यूटीफुल Together. और हमारी कॉम्बिनेशन पे तो ये रंग सबसे अच्छे लगते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हालांकि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल बड़ा कम है सादे रंगों खाली रंग काफी मुश्किल काम है दोनों रंगों को सही सही आई हैव टू से दैट अनदर वेरी वेरी सक्सेसफुल कनेक्शन सारी लड़कियों को आप देख रहे हैं एज अ इंटायर कलर ब्लॉकिंग यूनिट और कितना खूबसूरत लग रहा है इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल इट्स ब्यूटीफुल And each piece has a makes a statement. बिल्कुल all of them. और मुख्तलिफ लग रहे हैं अब हमें उसकी पूरी कलेक्शन की स्टोरी और सारी थीम नजर आ रही है आपको नजर आती है और इट्स ब्यूटीफुल ईच पीस इज एक्सक्विजिट आई मीन आई मुझे इतनी एक भी पीस नहीं नजर आ रहा जो मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा come on, come on, come on, come on,